हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे लंका प्रीमियर लीग T20 का मुकाबला। लंका प्रीमियर लीग जो T20 का मुकाबला खेला जाएगा, ये मुकाबले कब और किसके बीच खेला जाएगा? लंका प्रीमियर लीग T20 का ये जो तीसरा मुकाबला होगा, ये खेला जाएगा सी एच पर्सेज के एफ एल का बीच जो मुकाबला होगा वो होगा इंडियन समय अनुसार आज ही शाम को 7:30 बजे। आज ही शाम को 7:30 बजे जो मुकाबला होगा, उस मुकाबले में प्राइज इतना रखा गया है। इस प्राइज को हासिल कराने वाले कौन सा बैट्समैन होगा और कौन सा बॉलर होगा, अगर पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, क्या बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच, अगर बैटिंग पिच है तो कौन सा बैट्समैन चलेगा, अगर बॉलिंग पिच है तो कौन सा बॉलर चलेगा, अगर बैलेंस पिच है तो कौन सा ऑलराउंडर चलेगा और कौन सा ऑलराउंडर फ्लॉप्स होगा, सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा यूनिक बैट्समैन के रूम में कौन रहने वाला है, यूनिक बॉलर के रूम में कौन रहने वाला है, यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन बॉलर होगा कि यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन बैट्समैन होगा, अगर बैट्समैन होगा तो क्यों होगा, अगर बॉलर होगा तो क्यों होगा, सारा रीजन इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। विदाउट बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन से इम्पॉर्टेंट विकेट कीपर के रूम में आर गावस्कर इस टीम के खिलाफ एक मुकाबले खेले हैं, अच्छे खासे प्रदर्शन किया है। डेनियल चैमलर ठीक ठाक प्रदर्शन किया है और ये दो विकेट कीपर को खेलने का चांस अभी है। दिशा एमएस अगले मैच में फ्लॉप्स हुए हैं, लेकिन ना तो रिसेंट के मुकाबले खेले हैं ना हेड टू हेड मुकाबले खेले हैं। हेड टू हेड मुकाबले इन दोनों ने खेले हैं, दोनों एक मीनिंग में आर गावस्कर अच्छे खासे फॉर्म में था, डी सेमला रिसेंट के फॉर्म अच्छे हैं, जिसके कारण मैंने अगले मैच में इन्हें कैप्टनसी दिया हूँ, अच्छे खासे परफॉर्म करके आया है। और इन्हें बैटिंग के बात करें तो ये 3 नंबर में बैटिंग करेगा, आर गावस्कर 2 नंबर में करेगा। अगर आप लोग 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर वाले लीग लगाते हैं तो इन दोनों विकेट कीपर को शामिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग का सेफ टीम बन लगाते हैं या रिक्सी टीम लगाएंगे तो इन्हें ले लीजिएगा, एम आर्स को अगर सेफ लगाएंगे तो इन दोनों के साथ जाइएगा। अब आते हैं बैट्समैन सेक्शन में। बैट्समैन सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है बैटिंग पिच है, गुड पर प्रेशर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 170 है, वेन्यू पर्केल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कांडिया में खेला जाएगा। कांडिया का जो स्टेडियम है वो बैटिंग फ्रेंडली है और यहाँ पर बैटिंग का फेवर में जाएगा और विकेट कम मिलता है, अच्छे अच्छे बॉलर को पिटाई लगेगा। इसीलिए आज जो है मैं अपने टीम में बैट्समैन को ज़रूर फोकस दूंगा, लेकिन वो बैट्समैन को दूंगा जिनका सिलेक्शन परसेंट लो है और चलने का संभावना ज़्यादा रहेगा। और वैसे बॉलर के भी बारे में बताऊंगा जो बॉलर इस टीम के खिलाफ 4-4 विकेट निकाले हैं, जिनके कारण उसे इग्नोर करके हर कोई जाएगा, लेकिन मैं वैसे बॉलर को आप लोग को बताऊंगा तो आप एक अच्छे खासे टीम क्रिएट कर लेंगे। जब आप एक अच्छे खासे टीम क्रिएट करेंगे तो आपका अच्छे खासे रैंक आएगा, जब आपको अच्छे खासे रैंक आएगा तो आप एक अच्छे खासे टीम के साथ साथ अच्छे खासे प्रॉफिट कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर बैट्समैन में जी फिलिप्स अच्छा खासा और अनुभवी है और इन्हें खेलने का चांस ध्यान से देखिएगा, कितने नंबर में लाइनअप में नाम शामिल है और कितने नंबर में ये खेलने का उम्मीद है। और ये इन्हें खेलने के इससे फ़ायदा ये है कि पार्ट टाइम जब बॉलिंग भी करता है, अगर बॉलर को पिटाई होता है तो इन्हें 2-1 ओवर कराया जाता है, इसके कारण 1-2 ओवर में ये अगर विकेट निकाल लेगा तो आपको टीम को ड्रीम टीम में नाम देगा। अब यहाँ पर डी करुणारत ये खेले नहीं है, आज भी लगता है नहीं खेलाएगा। अब एस डैनियल
खेले नहीं है, लेकिन अब इन ट्रब को लाइनअप में नाम शामिल। फिलहाल के लिए हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक नहीं है। अब इन दोनों विकेट कीपर में से किसी को ट्राई का बैट्समैन में से रख सकते हैं। तीसरा बैट्समैन के रूप में ए फादर, जो इस टीम के खिलाफ तो अभी हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं, इस हेड टू हेड रिकॉर्ड हमेशा अच्छे हैं, लेकिन इस टीम के खिलाफ जो है हमेशा परफॉर्म करता है। रिसेंट के एक मुकाबले खेले हैं, फ्लॉप्स हुए हैं, एक मुकाबले में ये फ्लॉप्स हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी लाजवाब है। हर मुकाबले में इस टीम के खिलाफ अच्छे खासे ए फादर प्रदर्शन किया है। आज का मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में देंगे, सिलेक्शन परसेंट लो है। हम बात कर लेते हैं कैमरन डिसन, एक मुकाबले खेले हैं, 37 पॉइंट दिए हैं, ठीक ठाक उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये जो है तीन बैट्समैन का रिकॉर्ड ठीक ठाक है और खेलने का चांस है। दुई करुणा रथ को अगले मुकाबले में भी खेलने का चांस नहीं मिला है, हो सकता है इस मुकाबले में अगर खेलने का चांस मिल जाए तो अपने टीम में शामिल कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इन तीन बैट्समैन को आप लोग जरूर रखिएगा, बैटिंग पिच है, ये अच्छे खासे परफॉर्म कर सकता है। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देते हैं, दोनों टीम आपस में कितने मुकाबले खेले हैं। दोनों टीम आपस में 5 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले में से 3-2 का कम्बिनेशन है। CS 2 मुकाबले जीते हैं, KFL जो है 3 मुकाबले जीते हैं। स्ट्रॉन्ग की बात करें तो दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है, दोनों में से कोई कमज़ोर नहीं है, दोनों टीम को चलने का चांस ज़्यादा है, अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है और अच्छे खासे उम्मीद लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट जो है वो रहेंगे शाकिब खान, अच्छे खासे स्पिनर है लेकिन खासे विकेट नहीं ले रहा है, रेशन के मॉम बुरी चल रहा है। आज देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अब डब्ल्यू हसरंगा को, ये इस टीम के खिलाफ एक मुकाबले खेलने का मौका मिला है, एक मुकाबले में 4 विकेट निकाले हैं। आज का मैच में हो सकता है डब्ल्यू हसरंगा अच्छे खासे फॉर्म कर जाए, अगले मैच में नहीं करने के कारण इनका सिलेक्शन परसेंट लो हो गया है। अब यहाँ पर एम मैथ्स अच्छा खासा बैटिंग से पॉइंट देगा, पेसर है, कभी पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराया जाएगा और पूरे 4 ओवर तो नहीं, दो ओवर कराया जाएगा। डी वेल्स स्पिनर है, खास प्रदर्शन नहीं करेगा, अब डेरन संख्या को अपने टीम में जरूर रखिएगा, इससे तो पूरे 4 ओवर कराया जाएगा क्योंकि रिसेंट के फॉर्म अच्छे खासे प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पर डर्म कार्ड यूनिक रहेगा करुणा रत्न, ये बॉलर की दृष्टि से लाजवाब है, अगर ये बॉलर की दृष्टि से लाजवाब है, इन्हें खेलने का मौका मिलेगा तो अपने टीम में इसे ज़रूर पिक कीजिएगा, अच्छे खासे उम्मीद लगा सकते हैं, साथ ही साथ अच्छे खासे फॉर्म में इनका रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर टीप प्रेरा अच्छे खासे उम्मीद के साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग भी करेगा, अच्छे पेसर है। सी डेवल्स गर्म कार्ड यूनिक होगा, अच्छे खासे के साथ साथ इन सब में से किसी को बॉलर को या ऑलराउंडर को ट्राई कर लीजिएगा, अच्छे खासे परफॉर्म करने का संभावना है, लेकिन इस टीम के खिलाफ कोई नहीं खेला है। अब यहाँ पर देखिए 7 ऑलराउंडर है, 7 ऑलराउंडर, एक 8वां ऑलराउंडर के रूम में डी वेस, अच्छे खासे रिकॉर्ड है, रिसेंट के मैच में हेड टू हेड मुकाबले खेले नहीं, ऐसे 8 में से आप लोग किसी को ट्राई कर सकते हैं। मैं 8 में से थोड़ा रिक्सी और शेप दोनों लेकर जाऊंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना ताकि आप लोग स्किप करके नहीं देखें कि अगर आप लोग स्किप कर दिए तो इम्पोर्टेंट बॉलर या इम्पोर्टेंट जो है ऑलराउंडर फ्लॉप्स हो जाएगा। अब यहाँ पर दुष्यंत चेमरा को इग्नोर करके जाएगा, लेकिन अगले मैच में इन्हें विकेट नहीं मिला है जिनके कारण इसे 6 पॉइंट मिला है। क्या आज भी दुष्यंत चेमरा फ्लॉप्स होगा? हेड टू हेड मुकाबले ये भी 4 विकेट निकाले हैं, अच्छे खासे फॉर्म में है, ठीक ठाक उम्मीद लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें पादव निकलसन है, ये जो है बॉलर लाजवाब है, सिलेक्शन परसेंट रहा है, कभी इन्हें विकेट नहीं मिलता है, मिलता है तो 4 से 5 विकेट निकाल के जाता है। के राजेश जर्म कार्ड यूनिक होगा, इस टीम के खिलाफ एक मुकाबले में 4 विकेट निकाले हैं, सिलेक्शन परसेंट लो है। अब यहाँ पर मोहम्मद हसनानी पिटाई हुआ है, विकेट नहीं मिला है, जिसके कारण एक विकेट मिला है पिटाई होने के बाद। ये फ्रंट अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है, रिकॉर्ड ठीक ठाक है। अब इन सब में से 5 बॉलर है,
पांच बॉलर में से आप लोग किसी बॉलर को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। चलिए मैं इन पांच में से क्यों रखूंगा, किस रीजन से रखूंगा, इसलिए मैं बताऊंगा। अब बात कर लेता हूं विकेट कीपर सेक्शन में। विकेट कीपर सेक्शन में मैं आर गावस्कर को अपने टीम में रखूंगा, आर गुरुबाज को, उसके बाद डी चेम डीसमियल को रखूंगा, चंडीएमएल को, टी चंडीएमएल को रखूंगा। इन दोनों विकेट कीपर को इसलिए रखूंगा क्योंकि दोनों विकेट कीपर विकेट कीपरिंग के साथ साथ बैटिंग ऑर्डर ओपनर है और एक के तीन नंबर में आता है, T20 है, दोनों को बैटिंग करने का परफॉर्म और मौका मिल सकता है, जिसके कारण मैं इसे अपनी टीम में दोनों के साथ जा रहा हूँ। अब कर रहा हूँ यहाँ पर बैट्समैन में, बैट्समैन में मैं जी फिलिप्स को लूँगा क्योंकि पार्ट टाइम कभी बॉलिंग भी कराया जाएगा। जब इन्हें बॉलर फ्लॉप्स होता है तो जे फिलिप्स से बॉलिंग करता है, चाहे सेलेक्शन परसेंट हाई हो या लो, अगर ये खेलेगा तो मैं अपने टीम में इसे एक टीम में अगर दो या ओपनर के साथ आएगा तो मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई कर पा लूँगा। अब ए फादर इस टीम के खिलाफ हमेशा प्रदर्शन करता है लेकिन अगले मैच में फ्लॉप्स हुआ है, रिसेंट के मैच अच्छे खासे नहीं रहा है। कैंडेमस, इन तीन बैट्समैन को मैं अपनी टीम में फिलहाल के लिए ले रहा हूँ। तीन बैट्समैन को लेने के बाद देखिए अब ऑलराउंडर सेक्शन में आता हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में डब्लू हसरंगा को लूँगा क्योंकि ये अच्छा खासे स्पिनर है, एक मुकाबले में चार विकेट निकाले हैं, ए में तो विकेट तो नहीं निकाले हैं, रिसेंट के मैच में ठीक ठाक बैटिंग से पॉइंट दिया है, अच्छे खासे उम्मीद लगा सकते हैं। बी शंका को अच्छे खासे रिसेंट के मुकाबले खेल कर आए हैं और हमेशा विकेट निकाल कर आए हैं, तीन विकेट, इसलिए मैं अपने टीम में पिक कर रहा हूँ। अब आते हूँ बॉलर सेक्शन में। बॉलर सेक्शन में आने से पहले मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट बॉलर के रूप में डी चेमरा रहेगा जो कि अच्छे खासे बॉलर है और इन्हें विकेट मिलने का संभावना उम्मीद है। अब यहाँ पर के राजत, ये सब बॉलर इस टीम के खिलाफ विकेट निकाले हैं और अभी स्ट्रॉन्ग की दृष्टि से इन सब में से स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। पादन निकलसा को मैं अपनी टीम में लूँगा, इन्हें तीन बॉलर रखा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं तीन बॉलर और तीन ऑलराउंडर रखा हूँ, तीन ऑलराउंडर तीन बॉलर रखा हूँ। अब बात कर लेते हैं बैट्समैन में। बैट्समैन में देखिए यहाँ पर सारा का सारा बैट्समैन इसी को रखे हैं। अब विकेट कीपर में से देखिए इन दोनों विकेट कीपर को रखे हैं, दो विकेट कीपर और तीन बैट्समैन को रखे हैं। अब यहाँ पर आज एम एथम और शताब खान में से किसी एक को लूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए मैं 8-3 का कम्बिनेशन बना रहा हूँ। अब नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन। अगर आप लोग बैटिंग से कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना चाहेंगे आर गावस्कर रहेगा और देखिए डर्म कार्ड यूनिक, मैं कैप्टन के रूम में ए फादर को दूंगा क्योंकि इनकी टीम के खिलाफ अच्छे खासे रिकॉर्ड है, रिसेंट के फॉर्म बुरी चल रहा है, मैं कैप्टन इन्हें दूंगा। और वाइस कैप्टन के रूम में हर कोई यहाँ पर दुष्शंका का जाएगा, अगले मैच में भी अच्छे खासे परफॉर्म किया है, वाइस कैप्टन इसे दे सकते हैं या कैप्टनसी भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए कैप्टन दिए हैं फादर को, सेलेक्शन परसेंट लो है, वाइस कैप्टन दूसरा को तो दिया हूँ। अब मैं सेफ टीम करता हूँ, सेफ टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू फिलहाल के लिए किस तरह से रहेगा। फिलहाल के लिए मेरा टीम का परव्यू इस तरह से रहेगा। आई होप ये वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।